हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच की, जो कि कल खेला जाएगा अबू धाबी के मैदान में। टीम इंडिया कितनी तैयार है? क्या भारत की जो एक अदद जीत की तलाश है वो कल पूरी होने वाली है अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में? इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप की। जैसा कि आप जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया का कैंपेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, जो कि इतना हाइप्ड मैच था, हाई वोल्टेज मैच था, भारत को उसमें हार का सामना करना पड़ा, वो भी 10 विकेट से। फिर बारी आई न्यूजीलैंड की, जिसमें भारत ने बहुत सारी गलतियां की। ईशान किशन को बना दिया ओपनर, रोहित शर्मा आ गए नंबर 3 पर, विराट कोहली चले गए नंबर 4 पर और नतीजा निकला 0, यानी कि 0, और भारत 8 विकेट से इस मैच को हार गया। अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि भारत को अपने सारे मुकाबले जीतने हैं, बेहतर रन रेट के साथ जीतने हैं। सिर्फ जीतने नहीं है, ये भी एक्सपेक्ट करना है कि दूसरी टीमें और दूसरी टीमों को हराए, यानी कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे। खैर, भारत का मुकाबला होने वाला है अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान ने अपने 2 मुकाबले जीते हैं दोस्तों। नामीबिया स्कॉटलैंड को हराया और पाकिस्तान को अच्छी खासी टक्कर दी थी, वो मैच कहीं भी जा सकता था, लेकिन आसिफ अली की हीरोइक्स ने उस मैच को मोड़ दिया था पाकिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अफगानिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में लिया नहीं जा सकता। भारत ने अपने 2 मुकाबले अब तक दुबई में खेले थे और अब उनको खेलना है अबू धाबी में। अफगानिस्तान ऑलरेडी अबू धाबी में मैच खेल चुका है। अगर इनकी बात की जाए दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम की बात की जाए, तो हजरतुल्ला जुजई टॉप ऑफ द ऑर्डर, उनके साथ मोहम्मद शहजाद जो कि उनके विकेट कीपर हैं, जिनको आपने 2019 वर्ल्ड कप में रोते हुए भी देखा होगा, लेकिन वो फॉर्म में आ चुके हैं, अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं, टच में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जदरान बहुत अच्छे खिलाड़ी उनके पास हैं दोस्तों, गुरबाज बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। और अगर खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो उनके नज़र आते हैं वो है राशिद खान। लेकिन राशिद खान, मुजीब और मोहम्मद नबी का जो ट्रायो है, स्पिन ट्रायो है, ये बड़ी दिक्कत में डाल सकता है भारतीय बल्लेबाजों को। मुजीब ठीक है, पिछला मुकाबला नहीं खेले थे, लेकिन इस मुकाबले में अगर उनकी वापसी होती है जिस तरीके की फॉर्म में वो चल रहे हैं, तो भारत को उनसे सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। और राशिद की तो कंसिस्टेंट फॉर्म रहती है, जिस तरीके से आपने देखा होगा बाबर आजम को भी उन्होंने छकाया था, तो वो भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा ले सकते हैं। मोहम्मद नबी जो कि कप्तान है, गेंदबाजी में जरूर रन पिटा रहे हैं, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास है और लोअर डाउन द ऑर्डर जो है दोस्तों, वो छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं, हिटिंग करने की काबिलियत रखते हैं। नवीन उल हक भी उनके पास एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जदरान उनके पास बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान की टीम को हम कम आंक सकते हैं या उनको लाइटली ले सकते हैं, स्पेशली इन द टी20 फॉर्मेट। चलिए अब बात करते हैं भारत की। भारत 2 मुकाबलों के बाद ऐसा लग रहा है कि मोराल टूट सा गया है। आराम की बात जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि बायोसिक्योर बबल आना आसान नहीं होता, कई बार खिलाड़ी अपनी फैमिलीज को मिस करते हैं। बिल्कुल बुमराह की बात सही हो सकती है, लेकिन अब आप वर्ल्ड कप में एंट्री कर चुके हैं, यहां पर अब आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। टीम इंडिया को क्या करना होगा दोस्तों? टीम इंडिया को प्लीज अपनी बैटिंग ऑर्डर में चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर रोहित शर्मा और केएल राहुल को आपने ओपनर चुना था वर्ल्ड कप के लिए, तो इन्हीं से ओपनिंग करानी चाहिए। मेरे हिसाब से नंबर 3 पर विराट कोहली को आना चाहिए, और अगर स्काई अवेलेबल नहीं है तो फिर ईशान किशन नंबर 4 पर खेलें, या अगर आपको ईशान किशन से ही ओपन करानी है तो केएल राहुल को नंबर 4 पर लेकर आए, ना कि रोहित और विराट कोहली की बैटिंग पोजीशन को चेंज करने की कोई जरूरत है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बड़े सवाल उठ रहे हैं वरुण चक्रवर्ती को लेकर, लेकिन उन्हें बलि का बकरा बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की अगर हम बात करें, ठीक है उनको मिस्ट्री स्पिनर कहा गया, उन्होंने विकेट नहीं लिए, लेकिन गेंदबाजी खराब नहीं की है। ऐसे में कोई भी जो एक्सपीरियंस गेंदबाज थे, शमी की अगर हम बात कर लें या भूवी की बात कर लें, दूसरे मैच में शार्दुल भी आ गए, तो उन्होंने भी इतने विकेट नहीं लिए। रविंद्र जडेजा की बात की जाए, इनफैक्ट किसी ने विकेट लिए ही नहीं, 2 विकेट जो मिले हैं वो जसप्रीत बुमराह को मिले हैं। तो ऐसे में हार का सारा ठीकड़ा वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी पर फोड़ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई थिंक ही डिजर्व अ चांस। मुझे लगता है भारतीय टीम को प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं करना चाहिए, जो सेम प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी उसी को उतारना चाहिए, बस बैटिंग ऑर्डर में इंडिया को चेंज नहीं करना चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय, प्लीज कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।